सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूँ अनामिका और इस वक्त खबर भोजपुर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहाँ जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र छोटकी सासाराम गांव में गांव की महिलाओं ने कुछ रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए अपने ही गांव की किशोरी का अपहरण करके उसे बेच दिया। घटना को गांव की दो महिलाओं ने अंजाम दिया। उन्होंने किशोरी को बहला फुसला करके उसे पटना में ले जा करके बेच दिया था, जिसके बाद पीड़ित किशोरी के पिता द्वारा दोनों महिलाओं के खिलाफ अपहरण करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दोनों महिलाओं दिव्यांशी देवी और मीना देवी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात दोनों के निशानदेही पर शादी करने वाले आरोपी युवक भोलू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। भोलू यादव एवं दिव्यांती देवी पटना के बख्शी नगर में रहते थे, वहीं आरोपी महिला दिव्यांशी देवी एवं मीना देवी रिश्ते में बहन बताई जा रही है। किशोरी को अगवा कर भोलू यादव को सौंपा गया था, जिसके बाद आरोपी युवक भोलू यादव द्वारा दोनों महिलाओं को कुछ रकम भी दी गई। हालांकि दोनों महिलाओं को रकम कितनी मिली अभी क्लियर नहीं हो पाया है। भोलू यादव द्वारा किशोरी से जबरन पटना स्थित एक मंदिर में शादी रचाई गई और शादी के बाद किशोरी को घर में जबरन बंद करके रखा जाता था। इधर पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि दोनों महिला उसे मौसी के घर ले जाने को कह करके उसे बहला फुसला करके ले गए और उसे पटना में बेच दिया, जबकि उसकी मौसी आरा जिला में ही रहती है। वही पीड़ित के पिता ने अपहरण कर ले गए दो महिलाओं पर उसकी जबरन शादी करवाने एवं शादी करने वाले आरोपी युवक पर उसके साथ गलत काम करने का भी आरोप लगाया, जबकि बाद में एसपी के निर्देश पर स्थानीय थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित महिलाओं सहित एक पुरुष को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है एवं किशोरी को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित किशोरी को मेडिकल जांच के लिए सदर हॉस्पिटल लाया गया है, पुलिस लाई है और इस मामले में एसपी हर किशोर राय ने अपहरण करने के मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया है कि पीड़ित किशोरी के पिता के द्वारा दोनों महिलाओं के खिलाफ अपहरण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी महिलाओं एवं उसके साथ शादी करने वाले आरोपी पुरुष को भी, जो पुरुष था उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले में अपहरण का प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।